फेमस यूट्यूबर अरमान मलिक की खुशी इन दिनों सातवें आसमान पर है। उनकी दूसरी पत्नी कृतिका मलिक ने हाल ही में एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया है, जिनके वीडियोस और तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। हालांकि इनमें उनके बेटे का फेस नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जल्द ही अरमान मलिक अपने ब्लॉग के जरिए बेबी बॉय का फेस जरूर रिवील करेंगे। साथ ही उनकी पहली पत्नी पायल मलिक भी प्रेग्नेंट है। उनका ये आठवां महीना चल रहा है और वो भी जल्द ही खुशखबरी दे सकती है। वहीं इसी बीच अब डिलीवरी के बाद कृतिका मलिक की हेल्थ को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल कृतिका मलिक ने सी सेक्शन के जरिए बेटे को जन्म दिया है, जिसकी वजह से उन्हें पेट पर काफी टाके आए हैं। अपने लेटेस्ट व्लॉग से अरमान मलिक ने कृतिका की हेल्थ की अपडेट दी है। अरमान ने बताया कि डिलीवरी के बाद कृतिका की तबीयत थोड़ी खराब हो गई है, क्योंकि उसे थोड़ी खांसी हुई जिसकी वजह से टाकों में दर्द हो गया है। साथ ही कृतिका को हल्का सा बुखार भी है, लेकिन इसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं है। कृतिका के परिवार वाले और साथ ही डॉक्टर उनका पूरा ख्याल रख रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि डिलीवरी के एक दिन बाद कृतिका को घर लाया गया था, लेकिन ज्यादा तबीयत खराब होने की वजह से कृतिका को फिर से एडमिट कर दिया गया। और रही बात बच्चे की, तो फिलहाल बच्चा पूरी तरीके से ठीक है, लेकिन अभी भी डॉक्टरों की निगरानी में है।